ओके, मेरा नाम ज्योत्सना है एंड आज मैं अपने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी सारी संगत के साथ. सो कैसे कनेक्टेड हुई, कब से कनेक्टेड हुई, वो टाइमलाइन बताना तो बहुत मुश्किल है बिकॉज आई थिंक हमें बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो गुरुजी को पता है कि हम कब से उनसे कनेक्टेड हैं. ये कनेक्शन सिर्फ तब का नहीं है कि जब से हमने उनके शरण में जब से हम आए हैं या जब से हम उनसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक संगत कब से कनेक्टेड है, कितने कितने जन्मों से कनेक्टेड है, ये सिर्फ गुरुजी को पता है. बट यस, मेरी जो जर्नी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब से, जब से शुरू हुई तब से मैं बताऊंगी. एंड मेरे मामा मामी जाते थे गुरुजी के पास, काफी सालों से जा रहे थे. सो प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में है, हम ह्यूमन फॉर्म में है तो वी कम विद द बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स. सो मेरे फादर को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, बहुत इधर उधर, बट कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता था. एंड मेरे भी फादर तो काफी बीमार थे. सो मेरे पापा ने बोला कि मेरे मामा मामी ने बोला गुरु जी हैं, आप उनके पास चलो. वो ऐसे मिलने आ गए मम्मी पापा को, मैं कजन मामा, एंड वो भी गुरु जी का ही भेजना था, उनका बुलावा होता है. सो मेरे पापा ने कहा ठीक है. कुछ नहीं पता था हमें कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, बट वी सेड ओके. सो मेरे पापा मम्मी एक दो बारी गए, फिर महाशिवरात्रि को उन्होंने बड़े मंदिर में फंक्शन अटेंड किया. एक किसी गुरुजी ने किसी उनको वेडिंग में इनवाइट किया, वो लोग वहां भी गए किसी फार्म हाउस पे. उसके बाद एक दिन मेरे फादर ने बोला कि चलो हमें गुरुजी हैं उनके पास जाएंगे. मैंने तो एकदम हाँ कर दी, पर मेरे हस्बैंड ज्यादा, क्योंकि देखिए नाम हम जब करते हैं गुरुजी, गुरु साधु संत, माइंड में सॉरी गुरुजी, बट माइंड में यही आता है एक सेकंड के लिए कि हाँ कोई होंगे गुरु बाबा. बस हमें क्या पता था हम किसी भगवान, साक्षात भगवान के सामने जाने वाले हैं. सो मैंने तो हाँ कर दी, बट मैंने अपने हस्बैंड को मैंने कहा मैं कैसे पूछूं, क्या बोलूं. फिर एनीवे तो मेरे को मेरे मम्मी पापा पिक करके ले गए, मेरे हस्बैंड ने अभी वहां ज्वाइन कर लिया एम्पायर स्टेट में. और जब हम वहां गए तो वो नजारा, आई थिंक मैं कभी गुरुजी का जो मैंने देखा वो मैं वर्ड में डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊंगी. सो गुरुजी वो सिटिंग इन अ रेड चोला, बहुत बहुत तेज था उनके पूरे चेहरे पे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ. एंड हमें वहां बिठा दिया गया, चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, जल प्रसाद साथ में, मम्मी पापा थे, मेरा बेटा भी, सिस्टर सब थे. सो जब हमें बिठाया तो अंकल, सेवादार अंकल ने जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया. मेरे बेटे ने कहा नहीं मैंने नहीं पीना, 7 साल का था छोटा सा. सो कहते नहीं अच्छे सबन पीनी पैंदी है अंकल. तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अंकल आंटी, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, हम बिल्कुल ना समझते. एंड क्योंकि हमें तब तो ये भी नहीं पता था, जैसे गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग बाहर छोड़ के अपने जोड़ों के साथ, पर हमें तो इतनी भी अकल नहीं थी. बट क्वेश्चन भी नहीं थे माइंड में ज्यादा, क्योंकि मैं आई टॉक टू गुरु जी लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर. मैं बस जाके उनमें खो गई, मुझे मतलब इट वॉज सम मैग्नेटिक फोर्स जैसे. एंड हम बैठ गए, फिर मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी बड़ा अच्छा लगा. शब्द बानी चल रहे थे एंड मेरी आंखों में आंसू सुनते ही वो शब्द. एंड बस मैंने प्रे किया, मैंने कहा जो भी जगह है मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ आती रहूं. एंड गुरु जी बुलाते गए, हम जाते गए. सो ये सिलसिला चलता रहा एंड मैं देखती थी गुरु जी से सब बात करें, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज भी वी ऑल नो बैठे होते थे, कोई गुरुजी का हाथ दबा रहे हैं, कोई पैर दबा रहे, कुछ समझ नहीं आती थी, बातें समझने की कोशिश करते थे, पर उस टाइम हम गुरुजी की चेहरा देखने में ही खो जाते थे, उनमें रम जाते थे. एंड बहुत बारी कोशिश करते थे गुरुजी की आंखों में देखें, बिकॉज गुरुजी अपना फेस स्ट्रेट रखते थे, एकदम कभी गर्दन इधर घुमा ली कभी उधर, बट इवन जब उनका फेस बिल्कुल सामने होता था सेंटर में, पर उनकी आईज इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट घूमती थी. एंड ऐसे लगता था वो हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी नजर हम पे. एंड सीरियस गुरुजी यूज्ड टू बी सीरियस, मतलब जब तक मेरे से बात नहीं की थी मैंने उनको हमेशा सीरियस ही देखा था, और थोड़ा डर नहीं कहूंगी मैं, बट यस थोड़ी हिचकिचाहट होती थी. तो इसलिए मैंने कहा हमने कभी अपने आप तो अप्रोच करना ही नहीं है, बट मैं हमेशा ये मन में आता था कि गुरु जी हमसे कब बात करेंगे. एंड आई मीन मेरे को लगता था कि हाउ डू यू एड्रेस योर प्रॉब्लम टू हिम, हम कैसे मतलब कब हमसे बात करेंगे. एनीवे एक दिन हम क्या करते थे, फिर हमने देखा 4 जने बैठ के लंगर खा रहे, वो भी हमारे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था देखना. एंड पर हम खाते थे सबके साथ बैठ के. सो एक दिन क्या हुआ, हम जब लंगर खा के हम हाथ वाथ धो के आते थे,
एंड फिर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आगे लेके अगर गुरु जी जिनको बोलते थे बैठ जाए बैठ जाओ वो रुक जाते थे, बाकी हमें घर जाने का आदेश होता था हम घर चले जाते थे अपने। सो मेरी मम्मी का इंट्रोडक्शन, मेरे मामा भी उस दिन आए हुए थे, तो उन्होंने उठे गुरु जी कहते हैं कौन, तो मेरे मामा कहते हैं मेरी कजन मेरी सिस्टर तो उन्होंने फैमिली की ना, तो कहते हैं सबरवाल। मेरी मम्मी ने फिर आगे होके बोला मैं मिस्टर अरुणा सबरवाल हूँ, ये पूरा मेरा परिवार। गुरु जी कहते अच्छा, फिर मेरे फादर को कहते हैं आंधे रिया करो, पापा ने बोला अच्छा जी, हमने उनके जुतियों को जैसे चरण को हाथ लगाया और हम अपने घर चले गए। रस्ते में गाड़ी में हम जा रहे थे एंड माय हस्बैंड जैसे कहते हैं गुरुजी को तो सब एज सबरवाल यू नो इंट्रोडक्शन हुआ है तो सबरवाल, उनको मेरा नाम तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता कि गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो हमारा अगला पिछला सब पता है। यानी मेरी मम्मी ने कहा चलो जब भी मौका मिलेगा हम आपकी उनसे बात करा देंगे। अब अगले दिन बाय चांस जब हम हमेशा जाते थे या तो गुरुजी अंदर तैयार हो रहे होते थे या गुरुजी ऑलरेडी अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे। सो थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसे हो चुका होता था, पर नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट तो अभी पूरा लाइक अंधेरा सा नहीं हुआ था एंड इट वॉज अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। वो भी गुरुजी का ही बुलावा होता है जल्दी, बिकॉज उनको ही पता है उन्होंने कब हमें बुलाना है। तो हम जल्दी पहुंच गए, हॉल में दरबार में कोई भी नहीं था, सिर्फ डीजे अंकल बैठे हुए थे एंड हमारी सिर्फ फैमिली थी। सो एम्पायर स्टेट में जो किचन के बाहर साइड बोर्ड यूनिट पर है, हम यूजली तो हम गुरुजी की गद्दी के सामने बैठते थे लेफ्ट या राइट जहां जगह मिलती थी जहां हमको बोला जाता था बैठने को। सो मैं हम लोग वहां पर बैठ गए, हमने कहा यहाँ जगह खाली मतलब हमें हम वहीं बैठ गए। सो तभी हमने सोचा गुरुजी तैयार हो रहे होंगे, तभी हमने देखा लेफ्ट में जो सीढ़ियां अंदर आती हैं गुरुजी चल के आ रहे हैं, उन्होंने ग्रे कलर की ट्राउजर कॉलर वाली टी शर्ट और बड़े स्मार्ट स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं एंड वेरी यू नो नाइसली इज वॉकिंग। एक सेकंड तो मतलब मेरे को लगा मेरी आंखों को धोखा हो रहा है बिकॉज हमने तो गुरुजी को सत्कार में कभी देखा ही नहीं था पहले, बट सभी ऐसे थे तो मेरे मुंह में ऐसे मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे अंकल को, मैंने कहा तो गुरुजी है एंड गुरुजी आए एंड इतनी इतनी स्वीट स्माइल थी, इतनी स्वीट स्माइल थी, गुरुजी नॉटी भी बहुत है एंड इतनी नॉटी स्माइल दे रहे थे एंड वो आके साइड बोर्ड पे बैठ गए एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तो मेरे अंकल कहते हैं थे आ, तो एक सेकंड के लिए उनको लगा कि मुझे ही बुला रहे हैं किसी और को, फिर तब तक एक आध दो चार संगत और आ चुके थे, कहते तो इत्थे आ। तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल आगे सामने जाके खड़े हो गए पास में, कहते तेरा ना की है, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण, कहते हैं पूरा ना दो, तो कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा, तो कहते हैं अच्छा मेरे आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, तो कहते हैं कि तू सरदार है, मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार है, पर मैंने पगड़ी कभी नहीं पहनी, मैं पग नहीं बंधी पर सरदार है जट से का, कहते हैं हंस के कहते हैं मैं भी सरदार है, मैं भी नहीं कदी पाई, तो हंसने लगे। फिर बताया मेरे हस्बैंड का पिंड विंड पूछा और खूब उनसे मतलब एटलीस्ट आई थिंक 5 मिनट्स तक उनसे बातें की उनका, एंड जानते तो उस सब है बट वो हमें हिट टोलते हैं। सो मेरे हस्बैंड को फिर मेरे को कहते हैं दूर से मेरी आंखों में आंखें देख के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है ऐसा ध्यान रखा कर, और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैंने हंस के बोला गुरुजी बहुत ध्यान रखती हूँ। सो दैट वाज द मतलब फर्स्ट टाइम मेरा जो बिल्कुल कहते हैं ना आमना सामना या कैंडिड मोमेंट लाइफ मोमेंट आई शेयर विद गुरुजी, और मैंने उन्हें हंसते हुए भी देखा और हम बड़े हैरान कि हम तो गाड़ी में बात कर रहे हैं गुरुजी को कैसे पता चला कि ये इसका नाम पूछता, और हमारे मन में वो उत्सुकता थी बताने की कि हम गुरुजी से कब बात करेंगे, मेरे हस्बैंड कब बात करेंगे। सो एनीवे उन दोनों दरबार 7 डेज लगता था और हम हफ्ते में 4 दिन जाते थे, तो जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे जैसे जैसे गुरुजी का आदेश होता था। एंड इतना वी यूज टू लुक फॉरवर्ड गोइंग टू दैट दरबार, संगत जी आप मानेंगे नहीं हमारा दिन नहीं पास होता था, हमें होता था मेरी सिस्टर भी जॉब पे जाती थी, हमें होता था बस मैं अपने अंकल को कहती थी अपने डैड को बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आओ हमें शाम को पहुंचना है एम्पायर स्टेट, एंड वो भी हमारी मर्जी नहीं है गुरुजी की मर्जी, उनका मर्जी होती है तो हम उस दरबार में पांव रख सकते हैं। सो गुरुजी हमारे सारे काम ऐसे निपटा देते थे दिन भर के लिए, हमारा टाइम टेबल इतना सेट कर देते थे कि हमें उस दरबार में हम पहुंच जाते थे। सो ऐसे चलता रहा, कल्याण तो मैं क्या कहूँ, सत्संग तो हमारे साथ रोज ही होते हैं, बट जब हमने वहां जाना शुरू किया हम तो संगत जी छोटी छोटी बातें यू नो इंसान एज अ ह्यूमन बींग मांगते हैं ये दे दो वो दे दो विच इज वेरी रॉन्ग, हमें नहीं पता कि गुरुजी उससे भी बड़ी बड़ी कृपा हम पे करते हैं, असली चीज तो हमें मांगनी नहीं आती। सो
कल्याण तो क्या हुआ कि मेरा एक मेरा बेटा है जो नाउ ही इज 21 ईयर्स ओल्ड, तो तब वो 7 साल का था. तो मेरे हस्बैंड को मैं बहुत कहती थी वी शुड हैव अनदर बेबी, एंड मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं. वो मतलब अड़ जाते थे कि नहीं अब 7 ईयर्स का बेटा हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा. एंड मतलब समटाइम्स तो यूज टू गेट एंग्री एट मी कि नहीं बच्चा दूसरा बेबी नहीं करना. बट आप मानेंगे नहीं, जैसे हमने वहां जाना शुरू किया एंड मैंने अपने हस्बैंड को टूवर्ड्स फेब एंड आई सेड लेट्स प्लान अ बेबी, मेरे हस्बैंड एकदम मान गए, कहते ठीक है. तो मैंने कहा, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, अब शायद गुरुजी की मर्जी है ये. एंड मार्च में मैंने कंसीव कर लिया एंड आई हैव अ डॉटर नाउ, शी इज 13 ईयर्स ओल्ड एंड इतनी वेल कनेक्टेड है वो गुरुजी से, इतनी वेल कनेक्टेड है. तो मतलब आई थिंक वो गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड है वो. इट वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी टू अस कि मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मानते थे, बट ही गेव अस अ ब्यूटिफुल चाइल्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ अ डॉटर एंड अ फैमिली गॉट कम्प्लीट. एंड उसके बाद क्या कल्याण हुआ, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, सो उसकी एल्डर डॉटर मेरा बेटा बचपन से एक साथ पढ़े, एंड वो सेकेंड बेबी का बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी, बट डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि आपका बेबी नहीं हो सकता, आपकी लाइफ को खतरा है, आप भूल जाओ. शी वॉज वेरी डिजेक्टेड एंड बहुत बहुत निराश हो गई थी वो. तो मेरे से शेयर करती थी, तो मैंने अभी तो हमने जाने शुरू किया था गुरुजी के पास, तो मैंने उसको बोला कि आप एक बारी यहाँ पे आओ, एक गुरुजी हैं तो वो कल्याण करते हैं. ये मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने उनको आज तक नहीं देखा, नहीं तो यूजली हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, हम यू नो ये उपाय कर लो, ये पैसे दो दो, यहाँ करो यहाँ. मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, आई माई सेल्फ डोंट नो, बट वो कल्याण करते हैं, वो ब्लेसिंग से कल्याण करते हैं. तो तू एक बारी आ जा, एंड तेरे को ठीक लगा. तब तो हम भी इतने मूर्ख थे, हमें ये नहीं पता था कि हमें ठीक लगना है कि हमें खराब लगना है, वो तो यू नो हमें नहीं पता था कि हम, बिकॉज गुरुजी ने एहसास दिलाने ही नहीं, दिलाया ही नहीं कभी हमें कि मैं महाशिव तुम्हारे सामने बैठा हूँ. मैंने कहा तुझे जैसा लगे एक बारी आने में हर्ज नहीं है. तो संगत जी क्या हुआ, जब वो आई तो उस दिन गुरुजी ने सारी संगत को मना किया था कि जब आज्ञा लेने हम जाते थे लंगर करके, तो कोई मेरे पास नहीं आएगा, दूर से ही बस मत्था टेक के वापस चले जाना. सो मुझे अभी तक याद है, हम खूब सारी संगत काफी दूर गद्दी से कुछ यू नो फ्यू फीट अवे वी वर स्टैंडिंग, और हम वहां खड़े थे, एंड काफी मतलब संगत धीरे धीरे बढ़ी रही थी रोज, और गुरुजी बैठे थे. उस दिन उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डार्क ऑरेंज कलर का चोला पहना था, एंड मेरी फ्रेंड आई, तो हम मतलब संगत जैसे थी तो हम पीछे थे ग्रुप में, और हम ऐसे अपने यू नो उचक उचक के उनको ऐसे देख रहे थे ऊपर पैर यू नो अपना करके कि गुरुजी नजर आ जाए. तो मैंने फिर फ्रेंड को बोला, मैं कहा देख देख शायद गुरुजी तेरे को आगे अपने पास बुला ले, तो तू उनको अपनी शक्ल दिखा दे. तो वो ऐसे करके देख रही थी, तो पर नहीं, जब गुरुजी ने मना किया तो मना किया. तो एनीवेज तब सेवादार अंकल ने कहा, अब आप तुसी अपने अपने कर जाओ, एंड हम आ गए. तो मैंने आती उसको फोन किया, मैंने कहा यार सॉरी, मुझे तो पता नहीं था कि आज, मैंने तो कितना बुलाया कि तू गुरुजी के वहां आ, बट मुझे नहीं पता था आज ही ऐसा हुआ. रोज हम उनके चरण छूते हैं, पर आज गुरुजी ने पता नहीं क्यों सबको मना किया है, रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, बट कोई बात नहीं, तो फिर दोबारा आ जाना. वो एक्चुअली शी वॉज वर्किंग एंड वर्किंग लेडी, एंड उसको बड़ा मुश्किल से अपने ऑफिस से टाइम मिलता था. तो मैंने कहा तू फिर आ जाना, कहती नहीं मैंने तो ट्रैवल करना है, मैं टोक्यो जा रही हूँ अपने काम से. तो मैंने कहा ठीक है. तो मैं सारी रात सोचती रही कि आज गुरुजी ने मिलने से मना क्यों किया हमें. क्वेश्चंस तो हमारे माइंड में मतलब आते ही है. एंड उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी फ्रेंड जो है उसको, वो टोक्यो गई होटल में, उसको रात को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं और खूब स्माइल कर रहे हैं. एंड श्योर इनफ जब वो उसने वहां पे उसको यू नो शी फेल्ट समथिंग, और उसने अपना टेस्ट वगैरह किया एंड उसने देखा उसका रिजल्ट वाज पॉजिटिव एंड शी हैड कंसीव्ड. उसने मुझे वापस आके ये एक्सपीरियंस अपना बताया कि यार गुरुजी ने मुझे मेरे ड्रीम में आए और बहुत स्माइल कर रहे थे एंड मैंने कंसीव कर लिया. ट्राई तो वो कर ही रही थी, एंड वो उसकी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी बहुत हैरान और परेशान, कहती कैसे हो गया, आपके तो हर एक रिपोर्ट कहती आप कंसीव नहीं कर सकते. सो नाउ शी हैज अ डॉटर हु इज माय डॉटर्स एज, वो मेरी डॉटर की एज की उसकी डॉटर है, एंड बहुत दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. सो दिस इज हाउ, दीज आर द पावर्स ऑफ गुरुजी जो हम उस टाइम नहीं समझ पाते थे. उन्होंने दूर से कहा, सॉरी एक चीज बताना भूल गई, जब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि सॉरी आज गुरुजी मिल नहीं पाए किसी को, तो वो मुझे कहती नहीं बट ज्योत्सना मेरी ना गुरुजी से
आई टू आई कॉन्टेक्ट हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी बड़ी खुश हुई, मैं कहा चलो एटलीस्ट उसको इस चीज की निराशा नहीं होगी कि मैं गई और मैं उनको टच नहीं कर पाई, उनके सामने नहीं जा पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। तो कहती नहीं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि गुरुजी आज हमसे मिले नहीं, गुरुजी ने तो खूब अच्छी तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है फिर तो। एंड उसने कंसीव भी कर लिया था। उसके बाद जब हम जाते थे तो महासमाधि के थोड़े दिन पहले, अच्छा फिर अप्रैल में गुरुजी ने बैसाखी का हमें कार्ड दिया अपने हाथों से, एंड वी अटेंडेड द फंक्शन ऑल्सो इन बड़े मंदिर। फिर टूवर्ड द एंड ऑफ अप्रैल गुरुजी ने अपने खूब सारे स्वरूप ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के बटवाए, सेवा दर अंकद से अपने हाथ से भी दिया लिख लिख के। एंड हमें कितने 5-6 स्वरूप गुरुजी के मिले, बड़ा साइज छोटा साइज, उन दिनों बहुत बड़े नहीं होते थे, इट यूज टू बी A4 साइज या वो पॉकेट साइज या उससे छोटे। तो गुरुजी ने खूब सारे, हमने भी सोचा बड़े सारे स्वरूप आज मिल रहे हैं गुरुजी के। फिर हमें अराउंड मई फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक सेवादार अंकल ने पापा को बोला कि अंकल अब थोड़ा सा कम आया करो, थोड़ा कम कर दो, ऐसे हफ्ते में 2 बार ही हो गया बिकॉज संगत बहुत बढ़ रही है। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है जैसा गुरुजी का हुक्म। तो हमने कम जाना शुरू कर दिया। एंड फिर हमें 31st को न्यूज मिली कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। हम बिल्कुल 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 टूट गए, बिखर गए, मतलब हम हैरान परेशान, हमें हम ब्लैंक हो गए एक्चुअली, हमें पता नहीं था ये क्या हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन। एंड फिर मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी से बात की, कहते हैं वो महापुरुष है, वो धरती पे आए थे कल्याण करने और उनको ही चोला छोड़ना था एंड उन्होंने समाधि ली है। फिर हम बड़े मंदिर गए गुरु जी के लास्ट अंतिम दर्शन करने एंड बहुत रोए, सारी संगत रो रही थी, बहुत रोए। एंड उसके बाद मेरी मम्मी जैसे कहे थे अब गुरु जी चले गए, गुरु जी थे तो कितना अच्छा था, हम जाते थे। तो मेरे मामा ने करेक्ट किया, नहीं दीदी गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है, गुरु जी हमारे अंग संग है, उन्होंने सिर्फ चोला छोड़ा। तब हमें इस बात की समझ और अकल आई कि गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी इज वेरी मच हियर। फिर हम बीच बीच में बड़े मंदिर एम्पायर स्टेट उसके बाद नहीं गए, बट गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे वंस इन अ वाइल। पर एक वो एक कनेक्ट सा जो था, बिकॉज देखिए गुरु जी तो अभी भी हमारे अंदर बसे हुए हैं, बट हमने हम उनको फिजिकल रूप में हमें देखने की इतनी आदत हो गई थी कि इट वॉज लाइक गुरु जी और हम। तो हमें वो बीच का एक वो नहीं समझ आता था कि सत्संग भी हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था, वी वर टोटली अनअवेयर, हम बिल्कुल इग्नोरेंट थे इस चीज के। एंड बस हमें ये पता था एक बारी गुरु जी जब थे गद्दी पे तो उन्होंने लास्ट डेज टूवर्ड मई में एक आंटी को बोला आंटी चल खड़े हो उस सत्संग सुना अपना। तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनको बहुत हेल्थ कंडीशंस हो गई थी, गुरुजी ने कैसे उनको ठीक किया, उनकी सर्जरी रुकवा दी और बिल्कुल ठीक हो गई। तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि ये गुरुजी ब्लेस करते हैं, कुछ तो करते हैं। एंड ये आंटी जैसे एक्सपीरियंस बता रही थी तो मतलब हम वी वर इन ऑफ इट के गुरुजी में कितनी पावर्स है तो फिर जब वो चले गए महासमाधि ले ली उन्होंने एंड धीरे धीरे मुझे पता चला सत्संग हो रहे हैं गुड़गांव में, क्योंकि पहले सिर्फ क्या था बस हमारा गुरुजी से कनेक्ट था, कभी कभी बड़े मंदिर चले गए वहां पे दर्शन कर लिए, पर अंदर अंदर ही अंदर दिल बहुत रोता था कि गुरुजी आई विश मैं आपके अब चरण छू लू, आई विश मैं आपके सामने जैसे बैठ आप चल के वहां से जाते थे एम्पायर स्टेट में, आपका चोला भी हमें टच होता था। तो वो सब दिन कहां गए, बट धीरे धीरे आदत पड़ गई एंड उसके बाद सत्संग शुरू हुए। फिर मैंने भी अपने घर में गुरुजी ने करवाया सत्संग, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, इतने सत्संग हुए। फिर 2015 में संगत जी मेरे अंकल मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हो गए एंड उनको न्यूमोनिया अटैक हुआ जिससे उनकी किडनीज पे असर हुआ एंड इतना हाल बुरा हो गया था कि डॉक्टर्स हैड आल्सो गिवन अप। फिर वो लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारी लाइफ में जब कुछ नहीं समझ आता, मेरी मम्मी ने बोला यू डोंट हैव टू वरी, बस अब सिर्फ गुरुजी को प्रे करो कि गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है। लिटरली वो किया संगत जी एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ फ्यू डेज माय हस्बैंड रिकवर, टच वुड, गुरुजी की आशीर्वाद के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उनका लख लख शुक्राना। फिर गुरुजी ने हमें 2 साल पहले बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट से बचाया, मतलब हमारी SUV कार इतनी स्ट्रॉन्ग स्टर्डी कार वो ऐसे बिल्कुल स्मैश हो गई थी, शीशे टूट गए, एयरबैग खुल गए, हमारी पूरी की पूरी फैमिली उस कार में थी। इवन लोग देख के हैरान थे कि ये
यू नो जब ऑन द स्पॉट जो लोग इकट्ठे हुए उनको लगा कि इस गाड़ी में सब खत्म हो गए होंगे, बट जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं था, सारे हम बाहर खड़े थे और एक खरोंच तक नहीं आई, एंड आप मानेंगे नहीं उस टाइम एक गाड़ी आके रुकी जिसमें से दो कपल्स निकले जो गुरुजी के डेवोटी थे। एंड कैसे गुरुजी आते हैं, कहते संगत के रूप में ही आते हैं, एंड आके पीछे यू नो आजकल तो कोई रुकता भी नहीं है किसी के लिए टू बी ऑनेस्ट, बट वो कपल रुके एंड बाय चांस उनके बच्चे मेरे बच्चों के स्कूल में ही पढ़ते हैं, एंड सर हमने आपको डिस्पर्सल में देखा हुआ है, आप ये स्कूल में, आपने कहा हाँ जी, एंड कहते हैं उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा, मैंने कहा मैं उनको कहती मैं कहा मुझे गुरु जी ने बचाया, इसे जय गुरु जी, तो मैं हैरान, तो कहते हैं हम भी गुरु संगत है, हमें गुरु जी ने भेजा है, चलिए मैं आप लेडीज का यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है, तो मेरा हस्बैंड तो सब वहाँ पुलिस आ गई थी सब उसमें मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड लगे, कहते हैं हम आपको घर छोड़ते, सो दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प्स यू नो। एंड उसके बाद मेरी मदर को दिसंबर में कोविड हुआ, मेरी मदर 76 इयर्स की हैं, एंड एज उनकी देखते हुए कोविड हो गया, एंड वर्स इज कि मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी उनको मिलने, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है, आई कॉन्ट यू नो कम इन हर कॉन्टेक्ट, एंड मैं बहुत बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी, तो मैं रात को जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई मैं बहुत रोई, बहुत रोई, एंड मैंने ना गुरुजी से आंखें बंद करके सिर्फ सोने से पहले अरदास की, मैं गुरुजी अगर यू नो एहसास दिलाओ मेरे पास हो, एंड आप प्लीज मुझे श्योरिटी दे दो कि मेरी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मम्मी घर में ठीक हो जाएंगी, प्लीज या तो सपने में आ जाओ या कुछ करो। फिर मैंने सॉरी मांगी, बहुत सॉरी मांगी मैं, गुरुजी सॉरी आप नाराज हो जाओगे क्योंकि आप यू नो कहते हो प्रूफ मत मांगो मेरे से मेरे होने का, आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगता है, पर मुझे आप पे विश्वास है, टोटली सरेंडर, यू विल नॉट बिलीव संगत जी। उस दिन रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, एंड मेरे सपने में आके उन्होंने सत्संग पूरा कराया कि सत्संग की तैयारी चल रही है, एंड वो गुरुजी डॉक्स्ट्रा चोले में बैठे हुए हैं, एंड मुझे उससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए था संगत जी, एंड इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑन माई पार्ट टू आस्क फॉर प्रूफ। जब सरेंडर कर दिया तो कैसा हम प्रूफ मांगते हैं, कैसा हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, सरेंडर मीन्स टोटल सरेंडर विथ फेथ। एंड मेरी मम्मी टच वुड 14 डेज के आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हो गई, और उनको इतनी फ्रेग्रेंस आती थी अपने रूम में, एंड मेरी मम्मी की रोज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 जरूर आंख खुलती थी, एंड मम्मी मैं रोज उनको एक प्लेलिस्ट भेजती थी, मम्मी वो लगा लेती थी, एंड मम्मी सुनती थी, उनको इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, एंड मम्मी बिल्कुल मेरी ठीक हो गई घर पे रह के। सो दिस इज हाउ गुरुजी, ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं दीज आर द रियल ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आर नॉट के मुझे यू नो गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, वो सब इस इन चीजों के सामने बहुत कुछ मायने नहीं रखती चीजें। ओके एक और सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट ईयर 2020 में बिफोर जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हैड स्टार्टेड मैं और मेरे हस्बैंड दुबई गए थे, सो हम मॉल में वहां पे शॉपिंग कर रहे थे, एंड मैं एक बैग की दुकान में गई, वहां पे आई वाज जस्ट चूजिंग सम बैग्स, एंड लाइक मैंने अपने हस्बैंड से बार बार पूछा ये वाला लू ये यू नो हाउ वेमेन आर, वो 10 बार हम लोग सोचते अच्छा ये कलर वो कलर। तो वहां पे एक लेडी खड़ी थी, जब मैं कैशियर यू नो बिलिंग काउंटर पे गई पे करने, तो मैंने कहा लास्ट टाइम सोच लू कि ये वाला कलर लू कौन सा लू, तो मैं कन्विंस नहीं हो पाई थी, तो एक लेडी खड़ी थी, शी वॉज एन अरेबिक वुमन, तो मैंने उनसे पूछा मैं एक्सक्यूज मी विच वन आपको कौन सा लगता है कि मैं कौन सा लू, तो वो मेरी बात का जवाब ना देके मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, कहती है हु इज दैट मैन, तो मैं घबरा गई, मैंने कहा किसके बारे में पूछ रही, कहती वो आप किसे दवा नहीं हो वेरिंग द ब्रेसलेट, मैं कहा ओ, मैंने कहा ये मेरे ही इज माई गुरु, आई टोल्ड हर इंग्लिश, मैं कहा ये मेरे गुरु जी है, एंड कहती है गुरु, मैंने कहा हमारे गॉड, कहती है ओ ओके, कहती वेरी हैंडसम, तो मेरी भी हंसी निकल गई, मैं कहा यस वेरी हैंडसम, तो कहती है कि उनके बारे में पूछने लगी, और मैं वहां खड़े होके मैं बैग तो भूल ही गई कि मैं कुछ लेने आई थी, मैं गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी उनसे कि ऐसे है और कहाँ पे मिलती है कैसे होता है, एंड मैं सारा उनको बताने लगी, फिर मैं गूगल में उनको बड़ा मंदिर दिखाने लगी, एंड कहती मुझे इंडिया आना है, मैंने कहा नो ये पर्पस आपका, कहती मैं कभी इंडिया नहीं आई, मैं कहा गुरुजी विल मेक इट हैपन फॉर यू, सो व्हाट आई मीन टू से गुरुजी ने अगर किसी को अपने साथ जोड़ना है तो किसी भी तरह संगत के थ्रू कैसे भी जोड़ लेते हैं, उनको पता है वो लेडी 110%, उसके बाद पता नहीं लॉकडाउन लग गया
और मैं उस टाइम इतनी इतनी मैं एस्टोनिश हो गई कि मैं भूली कि मैं उनको किसी दुबई संगत का नंबर दे दूं। फिर मैं कहा यहाँ भी बहुत सारी संगत है, आप पता करो। एंड आई एम श्योर गुरुजी ने उनका कोई कल्याण करना होगा उस लेडी का, तो गुरुजी ने कैसे फ्रॉम अ डिफरेंट ओरिजिन फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट हाउ दैट लेडी शी जस्ट फेल फॉर गुरुजी के ये कौन है। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस, हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ छुपी होती है। सो उनके हम स्वरूप से बातें करें, वो जवाब देते हैं संगत जी, वो कहते मैं साक्षात बैठा हूँ एंड आई स्वेयर मेरे साथ हो चुका है। बहुत बारी गुरुजी ने अभी हाल ही में ड्रीम दर्शन दिए। मैं हमेशा देखती हूँ, जब मेरे से भी जो पुरानी पुरानी संगत है, मैं देखती हूँ उनके, उन्होंने पैर पकड़े हुए हैं, पैर दबा रहे। मैंने एक दिन ऐसे बैठे बैठे उनके स्वरूप से बोला, मैं गुरु जी मैंने आपकी जुतियां तो बहुत बारी छुई हुई है, पर मैंने आपको ऐसे आपके चरण कभी एक्चुअल में देखे नहीं एंड आई विश मैं देख पाती, मैं छू पाती। गुरु जी ने मेरे ड्रीम में दर्शन में आए और मैंने पूरा उनके चरणों को हाथ लगाया, देवर इतने सॉफ्ट कॉटन की तरह उनके चरण। गुरु जी ने मेरी वो भी विश पूरी कर दी। फिर मैंने एक दिन ऐसी गुरुजी को मैं याद करी थी और मैं रो रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं आपको याद, आप तो मेरे साथ हो फिर भी मैं आपको क्यों याद करती रहती हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज आई वाज सो यूज्ड टू सीइंग यू इन फिजिकल फॉर्म एंड प्लीज आप अपने होने का कुछ तो एहसास दिखाओ एंड यू विल नॉट बिलीव। और मैं एम्पायर स्टेट को बहुत याद करी थी, एम्पायर स्टेट की वो मंडे के दर्शन आते हैं दरबार के एंड वो वीडियोज आती है सामने, तो फिर वो देख के ऐसे होता है कि हम वहीं पे जैसे बैठे हैं, सो सारा नॉस्टैल्जिया हो जाता है। तो उसी रात गुरुजी ने फिर ड्रीम में दर्शन दिए कि मैं एम्पायर स्टेट में गई हूँ एंड मैं वहां ऊपर, मुझे सेवादार अंकल कहते हैं तुसी उत्ते जा, उत्ते जाके बैठो, और मैं कह रही हूँ मैं तो नीचे ही बैठूंगी, अभी तो संगत आई भी नहीं। पर कहते नहीं, गुरुजी की कृपा ऊपर वालों को भी बहुत मिलती है जो ऊपर बैठते हैं। और फिर मैं गुरुजी की बातें कर रही हूँ सेवादार अंकल से एंड तभी मैंने देखा गुरुजी हमारे सामने चल के जा रहे हैं, पर वो जमीन पे नहीं चल रहे, वो जैसे हवा में चल रहे हैं और पीछे देख देख के स्माइल कर रहे हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं देखो गुरुजी, मैंने कहा हाँ जी मुझे भी नजर आ रहे, तो कहते हैं देखा आप कह रहे थे ना कि गुरुजी कहाँ चले गए, मुझे पूछ रहे थे, तो गुरुजी तो यही है हमारे अंकल, गुरुजी कहीं नहीं गए। एंड एक मैं ड्रीम शेयर करूंगी रिसेंटली जो मुझे आया कि अभी महासमाधि से कुछ दिन पहले मैं बहुत बहुत इमोशनल हो रही थी गुरुजी के लिए, मैंने कहा गुरुजी वो सारा टाइम याद कर रही थी महासमाधि से, जब गुरुजी ने महासमाधि दी थी उससे पहले का। एंड गुरुजी ने फिर से ड्रीम दर्शन दिए एंड मैं उनका, गुरुजी ने हमें बड़ा वाला स्वरूप दिया था A4 साइज वाला जिसपे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था, मैं वो देख रही थी, बहुत देर देखती रही उसको एंड उनका शुक्राना कर रही थी। उस रात गुरुजी फिर से मेरी ड्रीम में आए एंड मैंने देखा मैं एक पंडाल में बैठी हूँ, गुरुजी बैठे हैं एंड गुरुजी ने दो गोल्डन फोटो फ्रेम स्क्वायर शेप के गोल्डन फोटो फ्रेम पकड़े हुए जिसमें उनका स्वरूप लगा हुआ है और वो अपने आप अपनी ऐसे गोद में रखे हुए हैं एंड मैं कह रही हूँ कब देंगे गुरुजी, कब देंगे मुझे ये स्वरूप। एंड फिर वो स्माइल करके उन्होंने दोनों हाथों से मुझे वो स्वरूप दिए एंड मैंने बोला थैंक यू। फिर मैंने स्वरूप को देखा, मैंने देखा कि गुरुजी ने सिर्फ इसमें स्वरूप लगा, कुछ लिखा नहीं। तो मेरे बाद और भी संगत है, तो मैं वेट करती रही, मैंने कहा मुझे उठ जाना चाहिए क्योंकि और संगत की बारी आएगी अभी, बट मैं बैठी, मैं कहा गुरुजी को जैसे ही मौका मिलेगा मैं बोलूंगी गुरुजी से ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिख के दे दो एंड माई ड्रीम एंडेड। सो उन्होंने ये भी एहसास दिला दिया कि मैं हर बारी जब भी हम उनको याद करें गुरुजी, वो हमें किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो फ्रेग्रेंस के फॉर्म में, चाहे वो उनका उनकी हमें आवाज कानों में सुनाई देगी, चाहे वो ड्रीम दर्शन दे, वो किसी भी फॉर्म में, या हमें कई बारी तो हमें रियलाइज भी नहीं होता हमारे वो कैसे कैसे हमारे आंसर्स दे देते हैं और हमें अपने हमारे पास होने का एहसास दिलाते हैं। सो लख 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 शुक्राना गुरुजी के आपने इतनी ब्लेसिंग दी है, दीज आर द रियल ब्लेसिंग संगत जी, हम उनसे और कुछ मांग ही नहीं सकते, यही हमारी रियल ब्लेसिंग है। एंड इस कोविड टाइम में कि हम सुबह उठ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने घर में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। एंड हमें सबसे ज्यादा मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, शिव पुराण पढ़िए, गुरुजी की बुक्स पढ़िए। एंड मैं कुछ नई संगत के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहूंगी, नई पुराना कुछ नहीं है संगत जी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जो अभी अभी संगत जुड़ी हैं गुरुजी से, तो काफी मन में लोगों के सवाल भी होते हैं गुरुजी को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज देयर शुड बी नो क्वेश्चन रिलेटेड टू गुरुजी एंड
नई संगत तो हमसे भी ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि जब तक हम समझ पाए कि गुरुजी क्या हैं, वो महापुरुष के रूप लेके आए हैं, वो महाशिव हैं, वो एक यू नो साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हम तो ये सोच विचार ही करते रहे एंड गुरुजी ने महासमाधि ले ली। पर जो उसके बाद संगत जुड़ी है, उन्होंने बिना कुछ देखे समझे बूझे गुरुजी को सीधा भगवान माना है और वो इतनी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, यू नो सो उसका हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बट स्टिल आजकल देखा जा रहा है संगत जी के लोग बहुत सारे वहमों में पड़ रहे हैं, तो प्लीज किसी किस्म का वहम ना करिए। एंड ये मैसेजेस आ रहे हैं आजकल के यू नो ये खा लो गुरुजी ने बोला है, वाइट वो खा लो, आम खा लो। प्लीज संगत जी जिसको भी मैसेज आए, आपको जो मैसेज आया आप अपने तक रखिए, वो सारे डोंट मेक इट वायरल थ्रू सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेजेस। ऐसे आई एम सॉरी टू से, डू नॉट माइंड, बट प्लीज ये गलत है। जो भी हमें करना है, गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए थे, बट एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गुरुजी के जो हमें बिल्कुल फॉलो करने हैं, एंड वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है फॉलो करना। हमें सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। हमारे जो भी सवाल जवाब हैं, हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे, वो स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी साक्षात बैठे हमारे सामने, हमने उनके स्वरूप के आगे जाके उनसे सवाल करने, और गुरुजी किसी ना किसी तरह जवाब देंगे। नहीं जवाब आपको आ रहा तो आप टोटल सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने गुरु को माना है तो आप अपना पूरा फेथ रखिए गुरुजी के ऊपर, प्लीज। बस हमें सिर्फ वहम और अहम से दूर रहना है, हमें कोई हमें अहंकार नहीं करना है, हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, हमें जेलसी नहीं करनी, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इतने पाठ कर रहे हैं, इतना सिमरन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चेंज आना बहुत जरूरी है। और प्लीज गुरु जी की तरफ से, बिकॉज गुरु जी ने खुद कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। आजकल बहुत हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, संगत ने वो बैठ के खूब प्रवचन दे रहे हैं कि गुरु जी का ये मैसेज है, वो मैसेज है। प्लीज ये सब मत करिए, ये मर्यादा से बाहर जाने वाली बातें हैं। यस, अगर कोई नई संगत किसी से पूछती है कि सत्संग में कैसे करना है, क्या है, सत्संग करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हमें सिर्फ एक स्वरूप चाहिए, जो जलानी है, शब्द वाणी लगाने है एंड गुरु जी का सिमरन करना है। जिसने जैसा जिसकी यू नो लिमिट में है, उतना ही हमें दरबार सजाना है। इसमें भी कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है संगत जी, वो हमारा शौक है, जिस शौक से हम करते हैं। गुरु जी तुम्हारे बहुत सिंपल, वो तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है। चाहे मेरे तो गार्डन में कोई फूल लगा होता है, एक भी फ्लावर होता है, मैं वो भी लगा के गुरु जी के चरणों में लगा देती हूँ। एंड आई नो गुरु जी, चाहे मैं बुके लगाऊं, चाहे मैं एक फूल लगाऊं, गुरु जी हमें उस चीज से मेजर नहीं कर रहे हैं हमारा लव। गुरु जी हमारा भाव देख रहे हैं, हमारा भाव क्या होना चाहिए, सिंपल एंड प्योर। सो प्लीज ये सोशल मीडिया पे इतने ग्रुप्स बना के एंड यू नो गुरु जी के नाम के बिजनेस, गुरु जी का ये, गुरु जी का, प्लीज गुरु जी को माध्यम नहीं बनाइए इन सब चीजों का। गुरु जी से सिर्फ आप ब्लेसिंग मांगिए। आई नो बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, जॉब्स अफेक्ट हुई हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फॉर एवरीवन टू प्रॉस्पर इन लाइफ, बट प्लीज आप गुरु जी की ब्लेसिंग मांगिए। गुरु जी से उनको ही मांगिए, आप उनको मीडियम मत बनाइए कि गुरु जी का हम नाम लेके चलेंगे तो हमारा यू नो काम धंधा हो जाएगा। प्लीज गुरु जी वो नहीं चाहते, बिकॉज अगर गुरु जी आपके साथ है, गुरु जी कहते हैं तो गुरु बहुत सस्ते विच मिले हुए हैं, कदर करो। आप उस गुरु की कदर करिए, आप गुरु जी से गुरु जी को मांगिए। गुरु जी हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। अगर गुरु जी हमारे साथ हैं तो देखिए संगत जी, नानक दुखिया सब संसार, शब्द हम सुनते हैं, उसमें लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है। अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें प्रॉब्लम्स जो हमारे गुरु जी ने कर्म कटवाने हैं, वो तो गुरु जी उसके लिए है ना, पर बाकी तो हमें खुद ही काटते हैं ना कुछ परसेंट, और वो कैसे कटेंगे, बाय कीपिंग आवर फेथ इन गुरु जी महाराज। सो प्लीज इट्स यू नो विथ फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट, गुरु जी के नाम को आप सोशल मीडिया में नहीं लाएं, जितने से जितना कम लाएंगे वही अच्छा होगा, बिकॉज गुरु जी को ये सब नहीं पसंद। गुरु जी के भाव बहुत प्योर रखिए, बहुत सिंपल रखिए गुरु जी के लिए अपने भाव। एंड आप जो भी सेवा कर रहे हैं, गुप्त सेवा करिए, वो आपको जिसको जो सेवा मिली है वो गुरु जी की उसको ब्लेसिंग्स है, बस उस सेवा का शुक्राना करते रहिए। बोले गुरु जी शुक्राना फॉर द सेवा, अपने नाम का दान देना, गुरु जी से नाम का दान मांगिए कि हम जितने से जितना उनका नाम लेंगे उतना ही हमारी लाइफ में हमारे साथ उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। शिव पुराण पढ़ सकते, चाहे हम एक अध्याय पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, मंत्र जाप करें एंड
अपना मन साफ रखें, बिकॉज मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, ये गुरु जी के बोले हुए शब्द है। एंड आज मैं इतना ही सुनाऊंगी, आई थिंक टाइम इज ऑल्सो अ लिमिट। एंड अगेन लख 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 शुक्राना गुरु जी के मुझे आपने फिर से इस यू नो प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने की आपके साथ, जिसके थ्रू और भी बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हुए हैं। कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए बहुत बहुत माफी। एंड थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट सेवादार कि आप इतने अच्छे से इतना यू नो विद गुड मैनेजमेंट यू आर रनिंग दिस प्लेटफॉर्म। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर वेरी वेरी ब्लेस्ड संगत ऑफ गुरु जी, एंड गुरु जी ब्लेस एवरी वन। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू, जय गुरु जी।